वहीं पास पड़ोस निवासी सर्वजीत लाल श्रीवास्तव ने कहा कि मेले और बाजार के साथ साथ मेले का भी अस्तित्व सिर्फ अवैध धन कमाने के लिए नगर अध्यक्ष विश्वनाथ मदेसिया द्वारा किया जा रहा है। यहां पर सुपरमार्केट के आधे अधूरे धन से जर्जर भवन बनाकर अपने चहेतों में वितरित कर दिया गया और रामलीला मैदान के अस्तित्व को समाप्त करने की नीयत से बेंडिंग जोन का बोर्ड लगाकर हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और हिंदू की आस्था को भड़काया जा रहा है। इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सुपरमार्केट जो बना है आधा अधूरा कहाँ कहां पर है कहां उसके लिए 1,30,00,000 रुपया आया था तो सरकार के तो आज ये बेंडिंग जोन घोषित हुआ ये किस प्रकार का जगह है कि बेंडिंग जोन हमारे धार्मिक ये धार्मिक स्थान है रामलीला मैदान है रामलीला मैदान है।